तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आर में। और दोस्तों, आज की टेक्नो काफी धुआंधार और धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो बिना देर करते हुए दोस्तों, आज की टेक्नो की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं रेडमी से, और रेडमी 9A स्मार्टफोन से रिलेटेड एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। और रेडमी 9A स्मार्टफोन रेडमी 9 के साथ ही 24 जून को चाइना में लॉन्च हो सकता है। और रेडमी 9 चार कलर वेरिएंट में चाइना में लॉन्च होगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और रेडमी 9A की प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, बट आप मान के रखो कि रेडमी 9A की प्राइसिंग आपको रेडमी 9 से कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रेडमी 9A रेडमी 9 का ही लाइटर वेरिएंट होने वाला है। तो रेडमी 9A की प्राइस आपको कम देखने को मिलेगी रेडमी 9 से। तो अब बात करते हैं सैमसंग की, और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 इसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ दी थी कल ही कि ये डिवाइस आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगी। और अब इसकी जो लाइव शॉट है वो आ चुकी है, तो डिस्प्ले पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ऐसा आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 देखने को मिलेगा, और ऐसा इसका डिज़ाइन होने वाला है। तो दोस्तों, रियलमी की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और रियलमी 25 जून को इंडिया में अपना रियलमी एवेंजर बैकपैक को लॉन्च करने वाली है, रियलमी X3, X3 सुपर जूम और रियलमी बर्ड क्यू के साथ। तो 25 जून को रियलमी का ये एवेंजर बैकपैक आपको देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों, फाइनली ASUS ROG 3 स्मार्टफोन जुलाई में लॉन्च होने वाला है चाइना में, और कंपनी ने इसके रिलेटेड पोस्टर भी शेयर किया है, बट कंपनी ने वहां शो नहीं किया है कि कितने तारीख को या फिर किस डेट को कंपनी लॉन्च करेगी, बस कंपनी ने मंथ शो किया है। तो जिससे ये पता चल रहा है कि जुलाई में आपको ASUS ROG 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा ASUS की तरफ से, बाकी ये जो लॉन्च है ये चाइना में हो रहा है, इंडिया में नहीं। आगे बढ़ते बात करते हैं एप्पल की, और एप्पल एयरपोर्ट 3 से रिलेटेड एक नई लीक निकल कर आ रही है, और एप्पल एयरपोर्ट 3 नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में लॉन्च होने वाला है। तो आप ऐसा समझो कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 में आपको एप्पल एयरपोर्ट 3 देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। बात करते हैं ऑनर की, और ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन जो कि 5G स्मार्टफोन है, 6GB रैम और मीडियाटेक के एक अननोन प्रोसेसर के साथ गीगबेंच पर लिस्ट किया जा चुका है। तो दैट मींस बहुत ही जल्द ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा ऑनर की तरफ से। आगे बढ़ते अपडेट्स की तरफ, और रियलमी 3 प्रो स्मार्टफोन के लिए रियलमी ने नया अपडेट रोल आउट कर दिया है, जिसमें कंपनी ने जून का सिक्योरिटी पैच लेवल और साथ ही में नया चार्जिंग एनिमेशन और बहुत सारे नए फीचर ऐड किए हैं, जो कि मैं डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा हूं। तो अगर आप रियलमी 3 प्रो स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो ये नया अपडेट आप अपने रियलमी 3 प्रो स्मार्टफोन में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर आज ही से बिग सेविंग डे सेल स्टार्ट हो चुका है, और सैमसंग गैलेक्सी A80 स्मार्टफोन पर 20,000 की प्राइस कट हो चुकी है, और करंट प्राइस मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है और अच्छा लगता है, तो आप अभी जाकर परचेस कर सकते हो, यही सही टाइम है इस स्मार्टफोन को परचेस करने का। आगे बढ़ते OnePlus की तरफ, और OnePlus के CEO पीटी लाव ने OnePlus Z को टीज करते हुए ट्विटर पर कहा है हु आर रेडी फॉर बिगनिंग, तो जिससे हिंट मिल रहा है कि OnePlus Z या फिर Nord जो भी आप कहो, ये नया स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में। प्राइसिंग से रिलेटेड अभी तो कोई लीक्स नहीं आई है, बट आप मान के रखो कि OnePlus Z या फिर Nord ये स्मार्टफोन आपको 25,000 के अंडर में देखने को मिलेगा इंडिया में, वो भी जुलाई के मंथ में। आगे बढ़ते ओप्पो की तरफ, और ओप्पो ने अपना ओप्पो रेनो 3A स्मार्टफोन को साइलेंटली जापान में लॉन्च कर दिया है, और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर पर रन करता है, और 4,025 mAh की बैटरी दी गई है। और अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओप्पो की बात किए तो ऑब्वियसली वीवो की बात भी करनी पड़ेगी, और वीवो का एक 4G और एक 5G डिवाइस गीकबेंच पर लिस्ट किया जा चुका है, और जो 4G डिवाइस है उसका नाम तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, बट उसका मॉडल नंबर V2004 है, और 8GB रैम और स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ ये गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है। और दूसरा जो 5G डिवाइस है वो वीवो X60 है, जिसका मॉडल नंबर V2006 है, जो कि 8GB रैम और इसका जो प्रोसेसर है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, और गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है 8GB रैम के सपोर्ट के साथ। तो दोनों ही डिवाइस आपको बहुत ही जल्द वीवो की तरफ से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जियो फाइबर की तरफ, और जियो फाइबर यूजर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, और जियो फाइबर यूजर को फ्री में G5 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अगर आप G5 के कोई भी कंटेंट को यूज करना चाहते हो और जियो फाइबर आपके पास है, तो आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं ऑडियो प्रोडक्ट की तरफ, और बोट ने इंडिया में अपने दो नए ऑडियो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। पहला जो ऑडियो प्रोडक्ट है वो प्रो बेस फ्लो एक्स, जो कि एक नेकबैंड है, और दूसरा जो ऑडियो प्रोडक्ट है वो एयर बेस लाइट ईयरबड है, जो कि एक TWS ईयरबड है, और इन दोनों को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और इन दोनों की प्राइस बजट सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है, और Amazon के थ्रू आप इन दोनों ऑडियो प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अगेन Realme Narzo 10A 3GB रैम 16GB रैम वेरिएंट की प्राइस ₹500 बढ़ा दी गई है, और Realme C3 3GB रैम 32GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस ₹500 बढ़ा दी गई है, और करंट जो प्राइस है इन दोनों स्मार्टफोन का वो मैं डिस्प्ले पर आपको शो कर रहा हूं, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं गेम की तरफ, और COD मोबाइल गेम में हायरिकल मैप जल्दी लॉन्च होने वाला है, और गोलार मैप तो कुछ दिन पहले आया ही था, बट जैसे ही हायरिकल मैप के बारे में कोई डिटेल मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि COD मोबाइल गेम में हायरिकल मैप जल्दी लॉन्च होने वाला है, और जल्दी आने वाला है एक नए अपडेट के साथ। फिर से बात करते हैं रियलमी की, और रियलमी बर्ड क्यू जो कि 25 जून को लॉन्च होने वाला है रियलमी X3 और X3 सुपर जूम के साथ, बट अब रियलमी बर्ड क्यू का एक नया कलर वेरिएंट NCC सर्टिफिकेशन जो कि ताइवान सर्टिफिकेशन है उस पर लिस्ट किया जा चुका है, जो कि डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये नया ये रियलमी बर्ड क्यू
ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके रिलेटेड अभी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। बट आप ये रियलमी बर्ड क्यू का जो नया कलर वेरियंट है उसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, रोशन सिंह नाम के एक पर्सन है जिनका रियलमी XT स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, और उनका कहना है कि उन्होंने रियलमी XT स्मार्टफोन परचेस किया था और परचेस करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने जब चार्जिंग पर लगाया रियलमी XT स्मार्टफोन को तो वो ब्लास्ट हो गया। और रियलमी का कहना है कि स्मार्टफोन पर कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाया गया था जिस कारण स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। बाकी पूरा जो केस है, पूरा जो नाम है, क्या है, कुछ भी है, वो मुझे नहीं पता है। बस मेरे पास नोटिफिकेशन आया था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आपको भी पता होना चाहिए कि आपके आगे पीछे देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते गेम्स की तरफ, और PlayStation 5 और Xbox X में आपको फ्री में एवेंजर गेम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास Xbox One या फिर PlayStation 4 है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो PlayStation 5 या फिर Xbox X लेना चाहते हो, तो उसमें आपको एवेंजर जो गेम है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप लोगों के लिए जो मैंने आपको दे दी। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और कल एप्पल ने अपने WWC इवेंट में बहुत सारे नए नए फीचर को लॉन्च किया है और साथ ही में अपना जो iOS 14 है उसको भी लॉन्च कर दिया है। और ये iOS 14 किस किस डिवाइसेस में सपोर्टेड है उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। तो डिस्प्ले पे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये सारे जो आईफोन डिवाइसेस हैं उनमें आपको iOS 14 का जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। और WWC में बहुत सारे जो नए नए फीचर्स और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आपको नॉलेज चाहिए और अगर आपको जानना है कि क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है WWC इवेंट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। और दोस्तों, रियलमी की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, और रियलमी C11 जो स्मार्टफोन है वो रियलमी इंडिया के सपोर्टेड पेज पर लिस्ट किया जा चुका है। दैट मींस इसके रिलेटेड हिंट मिल रही है कि बहुत जल्द रियलमी C11 आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में। और दोस्तों, मुकुल भैया जो कि ट्विटर के बहुत बड़े लीकस्टर हैं, उनका कहना है कि रियलमी की तरफ से दो नए 5G डिवाइस आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक डिवाइस का मॉडल नंबर RMX2121 है जो कि TNR पर लिस्ट किया जा चुका है, और दूसरे डिवाइस का जो मॉडल नंबर या फिर नाम है वो अभी तक नहीं आया। बट उनका कहना है कि दो नए 5G डिवाइस आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। अगेन एप्पल की तरफ से एक नई खबर आ रही है, और एप्पल और इंटेल इन दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप था वो खत्म हो चुका है और एप्पल अपने खुद के नए चिपसेट बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो अपकमिंग मतलब 2021 में जो मैकबुक आने वाले होंगे उसमें आपको एप्पल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे जो प्रोसेसर होंगे ये किस नेम से आएंगे अभी तक तो कोई लीक नहीं आई है, बट बहुत जल्द इसके बारे में डिटेल मैं आपको दे दूंगा। आखिरी खबर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 यूजर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और कैमरा का नया अपडेट रोल आउट कर दिया गया है जिसमें आपको एडेड फीचर में तीन नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नाइट हाइपरलैप, माई फिल्टर और सिंगल शॉट। और ये तीनों नए फीचर आपको कैमरा एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दबा के लाइक करना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और टेक्नोलॉजी और टेक्न्यूज वाली वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।